भोजपुरी एक्ट्रेस जो माँ बन चुकी हैं। अगर आप भोजपुरी फिल्मों के शौकीन हैं, तो जरूर ही आप किसी न किसी भोजपुरी हीरोइन के फैन तो होंगे ही, जिसके लटके छटके और अभिनय ने आपको कायल कर दिया होगा। यूं तो भोजपुरी फिल्मों ने कई उम्दा हीरोइंस दी हैं, लेकिन जब भी बात होती है तो कुछ गिनी चुनी हीरोइंस का जिक्र ही जुबान पर आता है, जैसे कि पाखी हेगड़े, अंजना सिंह, सीमा सिंह, श्वेता तिवारी, भाग्यश्री इत्यादि। यह सभी अब फिल्मों में ज्यादा दिखाई नहीं देती, सबने अपनी गृहस्थी बसा ली है। तो आइए जानते हैं इनके शादीशुदा जीवन के बारे में, किसने किससे शादी की और किसके कितने बच्चे हैं। पाखी हेगड़े। पाखी हेगड़े भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। मुंबई में जन्मी और दूरदर्शन की धारावाहिक मैं बनूंगी मिस इंडिया से करियर की शुरुआत करने वाली पाखी ने 2006 में भोजपुरी फिल्मों का रुख किया और पहली भोजपुरी फिल्म एक और शपथ से शुरुआत की, लेकिन पहचान निरहुआ रिक्शा वाला से मिली। इस फिल्म के बाद पाखी और दिनेश लाल यादव की जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सनसनी बन गई। पाखी हेगड़े ने मनोज तिवारी, पवन सिंह जैसे कलाकारों के साथ भी काम किया। उन्होंने मुंबई में ही उमेश हेगड़े से शादी कर गृहस्थी बसा ली और अभी उनकी दो बेटियां हैं। अंजना सिंह। अंजना सिंह को भोजपुरी फिल्मों में बहुत ही सेक्सी एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है। अंजना सिंह ने 2012 में आई भोजपुरी फिल्म एक और औलाद से बतौर अभिनेत्री अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने करीब 40 के लगभग फिल्में की हैं, जिनमें से अधिकतर सुपरहिट साबित हुई हैं। भोजपुरी के लगभग सभी दिग्गज कलाकारों के साथ अंजना ने काम किया है, जिसमें रवि किशन, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, यश मिश्रा जैसे अभिनेता शामिल हैं। अंजना ने भोजपुरी अभिनेता यश मिश्रा से शादी रचाई, जिससे उनकी एक बेटी भी है। हालांकि यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और दोनों ने तलाक ले लिया। अंजना सिंह अपनी सोशल साइट पर अपनी बच्ची के साथ प्रायः फोटो शेयर करती रहती हैं। सीमा सिंह। सीमा सिंह ने भोजपुरी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम किया और आइटम गर्ल के रूप में भी सीमा ने काफी काम किया। सीमा की पहचान एक अभिनेत्री से ज्यादा एक आइटम गर्ल के तौर पर बनी रही। वो अपने समय में इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि उन्हें भोजपुरी फिल्मों की हेलन कहा जाने लगा था। हर दूसरी फिल्म में एक न एक आइटम सॉन्ग सीमा सिंह पर ही फिल्माया जाता था। सीमा ने 500 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्हें आइटम क्वीन भी कहा जाता है। 32 वर्षीय सीमा ने 2019 में सौरभ कुमार से विवाह किया, जो कि प्रोड्यूसर के साथ ही एक पॉलिटिशियन भी हैं। सीमा सिंह का एक बेटा है, जिसके साथ वो अक्सर सोशल मीडिया साइट्स पर दिख जाती हैं। श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। अक्सर ही सुर्खियों में रहने वाली श्वेता हिंदी धारावाहिक का चर्चित चेहरा है। कसौटी जिंदगी की, कुमकुम भाग्य, कहानी घर घर की, बेगुसराय, बिग बॉस सीजन 4 इत्यादि में श्वेता तिवारी दिख चुकी हैं। श्वेता ने कई भोजपुरी फिल्म्स भी की हैं, जिनमें मनोज तिवारी के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद भी किया गया। श्वेता ने दो शादियां की, जिनसे उनके दो बच्चे हैं। उनकी बेटी पलक तिवारी भी अक्सर सोशल मीडिया साइट में सुर्खियां बटोरती दिखाई देती हैं। भाग्यश्री। भाग्यश्री के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। 1989 में सलमान खान के साथ उन्होंने मैंने प्यार किया फिल्म से डेब्यू किया और पूरे देश के दिलों पर राज करने लगी। भाग्यश्री ने शादी के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और एक कुशल गृहिणी बन गई, लेकिन वो बीच बीच में क्षेत्रीय फिल्में करती रही और 2003 में उन्होंने भोजपुरी फिल्म उठाई ले घूंटा चांद देख ले से भोजपुरी फिल्मों में डेब्यू किया। मनोज तिवारी और रवि के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया। उनके दो बच्चे हैं, जिसमें उनके बेटे अभिमन्यु दसानी ने भी बतौर अभिनेता फिल्मों का रुख कर लिया है।